एक बार और आप करो ये, एक बार उधर से आने देना। इस 30 मीटर जरीब के समकोण बनाने वाले प्रत्येक ऑब्जेक्ट पर अपने संरक्षण दंड लगाने के लिए विद्यार्थियों को भेज देंगे और प्रत्येक स्थान पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं अपने सब में संरक्षण दंड लगा दिए जाएंगे और फिर अपना संरक्षण कार्य आगे बढ़ाएंगे, दूरियां मापेंगे। जरीब के निकट ही किसी स्थान पर अपने ट्रम्प कंपास की सहायता से इस प्रकार से रखकर ट्रम्प कंपास को ज़मीन पर और उत्तर दिशा ज्ञात करेंगे और इसी के साथ में संरक्षण दंड लगाएंगे और उत्तर दिशा माप लेंगे और साउथ भी माप। जरीब से पहले अपने फीते की सहायता से नॉर्थ, जो संरक्षण दंड का नॉर्थ साइड है, उसको जरीब से दूरी ज्ञात करेंगे और कड़ी संख्या ज्ञात कर लेंगे। उसके पश्चात साउथ भी इसी प्रकार से साउथ को मापेंगे और उसकी कड़ी संख्या ज्ञात करेंगे। नॉर्थ साउथ कंप्लीट होने के बाद में अपने ए बिंदु की ओर जाएंगे और वहीं से संरक्षण कार्य प्रारंभ करेंगे और यहां से अपना ये ए बिंदु और फिर अपना पार्क का ये कोना जो है, पार्क का ये जो बॉर्डर लाइन है वो अपना बी बिंदु होगा और उसे अपने वहाँ से बी बिंदु से जरीब की सबसे निकटतम दूरी, जैसे फीते को अभी इस तरफ और कभी दूसरी तरफ बिछा कर जो है वो निकटतम दूरी ज्ञात करेंगे और कड़ी संख्या भी ज्ञात करेंगे और दूरी भी प्राप्त करेंगे। यहाँ कड़ी संख्या 9 है और दूरी जो है आंकड़ा आगे आपको मिल जाएगा। इसके पश्चात अपने सी बिंदु पर पहुँचेंगे, वहाँ की कड़ी संख्या और दूरी ज्ञात करेंगे। इसी दौरान ध्यान रखेंगे कि जरीब पर किसी का पैर नहीं रखा जाए, कोई विद्यार्थी जो है उसको जरीब को हिला नहीं जाए और जरीब अगर एक बार हिल जाए तो दोबारा इस क्षेत्र में, हाँ इसी प्रकार से सीख हो गया अपना। और फिर अपने डी ऑब्जेक्ट को टारगेट करेंगे और डी ऑब्जेक्ट की सबसे निकटतम जो जरीब की कड़ी है वो खोज निकालेंगे और संख्या कड़ी की लिखेंगे और दूरी नोट कर लेंगे। ये सारे कार्य लगातार अपने को नोट करते रहना है और जैसे ही ये नोट कर लेंगे उसके पश्चात अपने नेक्स्ट जो अपना कॉर्नर के बाद में थड़ा है उसकी ओर चलेंगे। तो अपने यहाँ एफ बिंदु है और एफ के बाद में जी अपना ये माप लेंगे यहाँ से थड़ा और अब अपने कॉर्नर में है जो कि एच कहलाएगा और उसकी दूरी सर्वाधिक है, ठीक है। तो एच के बाद में जो है यहाँ से दूरी और कड़ी संख्या नोट करने के बाद में और इस थड़े के इस तरफ अपने यहाँ से आएंगे और यहाँ से अपने आई की दूरी और कड़ी संख्या ज्ञात करके अपना सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लेंगे। ये अपना आई बिंदु है, अंतिम छोर है इस थड़े का। तो आप इस क्षेत्र को पहचान गए हैं और आगे अपने वह आंकड़े नोट करके और क्षेत्र से अपने क्लासरूम में जो कार्य कंप्लीट है, चार्ट वगैरह बनाना है, वो बनाते हैं। स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि जरीब फीता संरक्षण के अंदर किस प्रकार से डायग्राम तैयार किए जाते हैं। पूरा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट समझ आ जाए। और अब अपनी शुरुआत करते हैं जरीब फीता संरक्षण की। इसके लिए सबसे पहले अपने जैसे ही क्षेत्र में गए थे जहां पर हमने समतल भूमि देखी और लगभग 30 मीटर से ज़्यादा एरिया हमें समतल मिला, इसलिए हमने उस स्थान के ऊपर जरीब को बिछा दिया था। मैं कुछ क्षेत्र बना रहा हूँ आपके सामने, आइडिया आपको लग जाएगा कि मान लो इस क्षेत्र में यहाँ पर एक पार्क है, ठीक है। इस क्षेत्र में यहाँ पर क्या है, एक पार्क है और यहाँ पर एक इसी के पास एक बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई है और उसके बाद में यहाँ से फिर ये जो बिल्डिंग है वो लगभग इस पार्क के सामने तक यहाँ तक बनी हुई है। इतना अगर यहाँ तक ये बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पर ये पार्क आ जाता है और हमारी जरीब जो है वो 30 मीटर लंबी है और ये क्षेत्र अगर 25 मीटर ही लंबा है बीच का, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, एक बिल्डिंग आ जाती है, ठीक है। अब ये क्षेत्र पार्क वाला भी काफ़ी छोटा था, ये लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 से 25 मीटर ही था। जरीब अपने पास 30 मीटर के करीब है तो हमने जरीब को इस क्षेत्र में, यहाँ पर एक और ग्राउंड था
इस प्रकार से। तो हमने जरीब को क्या किया, कुछ तिरछा यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ तक हमने बिछा दिया। जरीब को इस प्रकार से हमने क्या किया, सीधा बिछा दिया। ठीक है, जरीब बिल्कुल सीधी है, क्षेत्र देखने में अपने को क्या लग रहा है, थोड़ा तिरछा लग रहा है। तो जरीब को मैं कुछ गहरा कर देता हूँ कि आपको स्पष्ट दिखाई दे कि ये जरीब है। तो यहाँ पर जरीब को बिछा दिया गया था। अब इसके बाद में हमने यहाँ से ये जो मेन गेट था इस क्षेत्र का, यहाँ से एंट्री होती है, इस एंट्री वाले गेट से हमने क्या किया कि इस भाग को हमने ए बिंदु मान लिया था, क्योंकि अब हम सर्वे कर रहे हैं और सर्वे के दौरान प्रत्येक क्षेत्र को अपने ऑब्जेक्ट का नाम देंगे। और आप देखिए क्या क्या करते हैं हमने, कि यहाँ से हमने ए बिंदु इसे नाम दिया था, और इसके बाद में हमने यहाँ से इस पार्क को भी, यहाँ पर इस पार्क का ये कोना जो है, सॉरी कोना नहीं है, ये बाउंड्री जो है, इस पर हमने एक संरक्षण दंड यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, यहाँ से ये, ठीक है, संरक्षण दंड हमने यहाँ लगा दिया, एक संरक्षण दंड इस कोनर में लगा दिया, एक संरक्षण दंड पार्क के इस कोने में लगा दिया। संरक्षण दंड यानी कि अपना जो रेंजिंग रोड है वो हमने यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ से इतनी दूरी तय करने के लिए भी हमने यहाँ पर भी एक संरक्षण दंड लगा दिया। तो ये चार इस तरफ हो गए। इसके बाद में हमने यहाँ इस बिल्डिंग के सामने यहाँ पर इसकी जो बाउंड्री है, इसके आगे हमने यहाँ पर भी एक संरक्षण दंड लगा दिया, एक हमने संरक्षण दंड यानी ऑब्जेक्ट हमारा ये कॉर्नर मान लिया। इसके बाद में एक ऑब्जेक्ट हमने इसी धड़े का यहाँ का क्षेत्र मान लिया। ठीक है, अब देखिए, अब हमने इसे ए बिंदु माना है, इसे अपने क्या करेंगे, बी बिंदु मानेंगे, पार्क की बाउंड्री को, पार्क के कॉर्नर को अपने क्या मानेंगे, सी बिंदु मानेंगे, और पार्क के इस कोने को अपने क्या मानेंगे, डी बिंदु मान लेंगे। पार्क के इस कोने को, सॉरी, ये जो बिल्डिंग का ये जो थड़ा है, ठीक है, बिल्डिंग का ये जो अंतिम बाउंड्री है, इसको हमने ई बिंदु मान लिया। एफ बिंदु हमारा ये जो जरीब बिछा है, सॉरी, एफ बिंदु ये जरीब जो है, इसका अंतिम छोर मान लिया जाएगा। यानी एक तरफ तो ए है और एक तरफ एफ है, जरीब के जो हत्ते होते हैं ना अंतिम 30 मीटर पे, उन्हीं बिंदुओं को हमने ए और एफ मान लिया है। इसके बाद में हमने यहाँ पर इसे बाउंड्री के इस क्षेत्र को जी मान लिया, यहाँ पर हमने इसे कॉर्नर को एच मान लिया, और यहाँ पर इसे हमने आई मान लिया। तो ये हमारे सामने जो भी ऑब्जेक्ट थे, इन्हें हमने नाम दे दिए हैं। अब इसके अलावा हमने यहाँ पर सर्वे के दौरान जो नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ और साउथ, वो प्राप्त करना था। तो हमने यहाँ पर टर्फ कंपास की सहायता से उत्तर दिशा ज्ञात की थी, जो लगभग इस प्रकार से, ठीक है, निकली थी। और इसका ये ऊपरी छोर जो है वो एन था, और ये इसका दक्षिणी छोर जो है एस था। इसको भी हमने यहाँ से क्या किया, माप लिया था, एन ऑब्जेक्ट मान लिया और एस ऑब्जेक्ट मान लिया। ठीक है, अभी फिलहाल इसको ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन यहाँ आके अपने इसको क्या कर लेंगे, इसको डायरेक्शन लिख लेंगे। ठीक है, एन एस डायरेक्शन है अपना, ठीक है, दिशा है अपनी। अब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इन सभी को जरीब से मापना है। अपना सर्वे यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, जरीब बिछ चुकी है, समतल क्षेत्र है, बिल्कुल सीधी बिछी हुई है। हमने यहाँ से बी ऑब्जेक्ट को देखा, यहाँ बी ऑब्जेक्ट पर एक व्यक्ति पहुँचा, और उसने उस जरीब के सामने की जो सबसे नज़दीक की कड़ी, इस जरीब में 100 कड़ियाँ होती है ना, तो सबसे नज़दीक की जो कड़ी होती है, उसको हमने इससे क्या किया, पहले तो पता लगाया कि कौन सी कड़ी सबसे नज़दीक होती है। तो हमने क्या किया, फित्ते को एक बार लोहे की पिन जो अंतिम छोर है यहाँ पकड़ाया, और हमने फित्ते को इसके साथ में इस प्रकार से कभी इधर लेके गई, कभी इधर लेके गई। तो जो सबसे निकटतम कड़ी थी, उसको हमने क्या किया, यहाँ से माप लिया। तो दूरी जो है वो इसकी आ गई, और हमने नोट कर ली ये दूरी। और इसके बाद में देखो दूरी, यहाँ आप देख सकते हैं कि बी ऑब्जेक्ट की जरीब से दूरी 5 मीटर 45 सेंटीमीटर थी। तो ये अपना बी ऑब्जेक्ट 5 मीटर 45 सेंटीमीटर यहाँ से इसकी दूरी आ गई। ऐसे ही हमने जो सी की दूरी, डी की दूरी, ई की दूरी, एफ की दूरी, सॉरी एफ नहीं होगा, एफ तो खुद रहता है, जी एच आई की दूरी हमने प्राप्त कर ली। इसी दौरान हमने क्या किया था कि जब बी की सबसे निकटतम जो कड़ी संख्या थी, यहाँ से जैसे कभी फीते को इधर, कभी फीते को इधर, जो सबसे नज़दीक की दूरी जो होती है वो क्या करती है, समकोण बनाती है इस बिंदु की ओर।
तो यहाँ से हमने समकोण देखा तो नौवीं कड़ी जो है वो समकोण बना रही थी। जरीब की नौवीं कड़ी जो है वो बी ऑब्जेक्ट के सामने क्या कर रही थी, समकोण बना रही थी। हमेशा कड़ी इधर से गिनोगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते यहाँ तक 100 कड़ियाँ हो जाएगी। तो यहाँ पर नौवीं कड़ी जो है ये बी के साथ में क्या बना रही थी, समकोण बना रही थी, सबसे निकट की जो कड़ी थी वो, ठीक है, 9 नंबर कड़ी। तो हमने क्या किया, कड़ी संख्या हमने यहाँ पर लिख ली 9। इसके बाद में सी के सामने गई, सी के सामने कड़ी तो बढ़ रही थी, यहाँ से कितनी होगी 17, दूरी कितनी होगी, ये बहुत नज़दीक था इसलिए दूरी होगी 1 मीटर 51 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हमने, अब देखो डी की दूरी बढ़ गई, कड़ी संख्या भी बढ़ गई, तो आप यहाँ पे देखो कि डी की कड़ी संख्या है 80 और दूरी भी क्या है 14 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो ये दूरी बढ़ गई, फिर कुछ दूरी घटी है, आप ई की दूरी देख सकते हो, सब कड़ी संख्या बढ़ी है 87 है और दूरी 9 मीटर 75 सेंटीमीटर है। इसके बाद में यहाँ देखो जी की दूरी घटी है मान लो, फिर एच की दूरी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर देखो एच की दूरी 16 मीटर 63 सेंटीमीटर है, ठीक है, 16 मीटर और 63 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक की। कड़ी संख्या कितनी थी, तो सिर्फ 37, घट रही है वापस यहाँ से। फिर देखो हमने जो आई की जो ऑब्जेक्ट की दूरी है वो कितनी है, आई ऑब्जेक्ट की 7 मीटर 66 सेंटीमीटर और कड़ी संख्या कितनी होगी, वापस 14 के करीब होगी, यानी घट गई है। तो इस प्रकार से हमने इसके बाद में क्या किया था, एन और एस को भी मापा था। एन जो हमने ट्रप कंपास रखा था, जब उत्तर की दिशा उसकी क्लियर हो चुकी थी, उसके साथ में हमने संरक्षण दंड रखा जो कि लगभग 7 फीट के करीब लंबा होता है। इसका एक छोर उत्तरी छोर था जो कि नुकीला था, इस तरफ रखा हमने और उसके नुकीले छोर को हमने यहाँ से माप लिया। फिर एस को हमने यहाँ से मापा और दोनों की जो जो कड़ियाँ आई थी वो हमने नोट कर लिया। आप देखो ये कड़ी संख्या लगभग कितने की आएगी, 80 के बाद की है लगभग, तो यहाँ अपने देखते हैं, सॉरी 80 के बाद की नहीं है, यहाँ थोड़ा इस तरफ बनेगा एन एस, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप एन की कड़ी संख्या 61 है ऊपर की तरफ और एस की जो है वो घटती हुई कुछ 58वीं कड़ी रह जाती है और दूरी जो है वो एन की है कितनी, 2 मीटर 76 सेंटीमीटर और एस की है साउथ की है 3 मीटर 38 सेंटीमीटर। ये इतना कार्य हमने यहाँ पर कर लेना है। अपने सभी जगह संरक्षण दंड लगे हुए थे ऑब्जेक्ट पे, हमने प्रत्येक की दूरी मापी और कड़ी संख्या ज्ञात की। यहाँ से हमने इतना वर्क कर लिया और सभी ने जो है ये आंकड़े नोट कर लिए थे। अब ये आंकड़े अपने सामने आ गए, अब इनसे हमने बनाना है इस क्षेत्र का प्लान। और अब अपने ये जो क्षेत्र है, सबसे पहले अपने मुख्य बात, अब पार्क और एरिया नहीं होगा, हमारा मुख्य होगा जरीब। अब जरीब को कितना लंबा बिछाना है, और हमेशा ही आप देखोगे कि जो आपके डायग्राम या चार्ट जो है, डायग्राम शीट है या चार्ट जो है, उसमें सर्वाधिक लंबा वाला जो एरिया होता है इस प्रकार से, ठीक है, मान लो चार्ट लंबा है इस प्रकार से, कम है और इस तरफ ज़्यादा है, तो आप हमेशा ही लंबाई वाले हिस्से के बीच में यूँ खींचा करो ऐसे, ठीक है। हालांकि अब जो है ये YouTube का वीडियो है और ये हॉरिजॉन्टल बेस भी बन रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने मापक बहुत बड़ा लिया है। जरीब फीता संरक्षण बड़े मापकों को हल करने के लिए किया जाता है, जैसे कोई प्लॉट है, कोई खेत है, कोई पार्क वगैरह है, उनके किसी छोटे से गांव के अंदर कोई क्षेत्र है, तो उनके नक्शे तैयार करने के लिए जरीब जो है फीता संरक्षण बहुत ही उपयोगी उपकरण है। तो अपने अब एक आपको यहाँ पर मापक मिलेगा, मान लो चार्ट के ऊपर आपको मापक मिलेगा कितना, मैंने यहाँ पर दे दिया मान लीजिए RF 1:200, कितना 1:200। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि 1:200 के अकॉर्डिंग क्या जरीब की लंबाई और ऑब्जेक्ट इस कागज़ पे आ जाएंगे। अगर नहीं आते हैं तो हम इस कागज़ का उपयोग नहीं करेंगे, इससे बड़ा जो कागज़ हम लेकर आएंगे या चार्ट हम इससे बड़ा लेकर आएंगे, ठीक है। अभी 1:200 पे अपने इसको हल करते हैं। अगर आपके पास 1:100 है तो ऐसे छोटे चार्ट के ऊपर आप जरीब का मतलब जो चित्र है, डायग्राम है, नहीं बनाएंगे, ठीक है। 1:300 है, 400 है तो आसानी से बना लेंगे, वो छोटा बन जाएगा। अब 200 है तो कुछ बड़ा है, अगर 100 होगा तो वो इस पे आने वाला भी नहीं है, जरीब की लंबाई नहीं आएगी, ऑब्जेक्ट तो दूर की बात है। अभी अपने कुछ ये जो आंकड़े हैं इसको मैंने सॉल्व किया था, सभी विद्यार्थियों को बोला था कि आप आंकड़ों को नोट कर लीजिएगा, तो उन्होंने नोट कर लिए थे। अब देखो जरीब फीता संरक्षण है, ये लक्ष्य हमारे बी थे, सी थे, डी थे, ई थे और एफ क्यों नहीं था, ए और एफ क्यों नहीं था, क्योंकि हमने एक को हत्ता मान लिया और एफ को भी हत्ता मान लिया, यानी जरीब का अंतिम छोर मान लिया।
ठीक है, जी है, एच है, आई है, एन एस बी है, नॉर्थ साउथ है, ठीक है, डायरेक्शन है ये अपना। अब आप यहाँ से देखो कि कड़ी संख्या प्राप्त हुई थी हमें 9, 17, 80, 87 तक, फिर 90, ठीक है, फिर 37 और फिर 14, फिर एन एस की 61 और 58, ये अपने मीटर में दूरी प्राप्त हुई थी जितने भी अपने ऑब्जेक्ट और नॉर्थ साउथ थे उनकी। इनको अपने को मापक के ऊपर कितना 1:200 मापक के ऊपर हल करना है सबसे पहले, और हल करने के लिए आप इस सूत्र का उपयोग करोगे। ये जो आपके सामने सूत्र लिखा हुआ है इसका आप उपयोग हल करने में करोगे। अब देखो ये पहला जो सूत्र है ये सिर्फ एक बार उपयोग होगा, इसके बाद में इसका उपयोग दोबारा इस डायग्राम शीट पे नहीं होगा। और ये जो दोनों सूत्र है इनका उपयोग जितनी बार ऑब्जेक्ट आएंगे और नॉर्थ साउथ आएंगे, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं अपने और नॉर्थ साउथ के लिए, ये बार बार हमें हल करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको कम से कम 2 या 3 पेज जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ से और तरीके से कर लेता हूँ एक बार। अब देखिए इसके लिए अपने एक ही बार यूज़ क्यों करेंगे इसका, यानी कि डायग्राम शीट या चार्ट या मानचित्र पर जरीब रेखा की कुल लंबाई, यानी कि जरीब पर जो जरीब की जो कुल लंबाई मैंने एक बार यहाँ पर जो खींची थी ना, ये जो जरीब की लंबाई थी ये अपने डायग्राम शीट पे कितनी आएगी, इसके लिए मैंने यहाँ पर ये सूत्र लगाया है। जरीब की वास्तविक लंबाई पता है ना अपने को, जरीब की वास्तविक लंबाई हमारे पास 30 मीटर है, ठीक है। दी गई मापनी का हर, आपको पता है ये मापक है और निरूपक भिन्न है ये, और 1:200 है, इसमें 1 अपना अंश है और 200 अपना हर है, यानी कि माप दी गई मापनी का हर, हर क्या है 200 है, ठीक है, और इंटू में 100 लगाया जाता है, ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखिए 30 यहाँ लिख दिया क्योंकि जरीब की वास्तविक लंबाई कितनी है 30 मीटर है, ठीक है, 30 लिख देना आपने यहाँ पे, हमेशा 30 ही आएगा, ठीक है। फिर बटा में मतलब दी गई मापनी का हर कितना 200, तो ये इसके नीचे 200 हमने लिख दिया, ठीक है। आपको यहाँ पर 200 की जगह 150 मिलता है, 100 मिलता है, जो भी संख्या यहाँ पे हर में लिखी होती है ये आप इसके नीचे लिख दोगे। अगर 100 लिखी है तो यहाँ 100 लिख दोगे, ठीक है, इंटू में क्या होगा 100। अब इसे हमने हल किया, कैसे हल किया कि 20 से 20 काट दी और 30 को हमने 15 से काट सॉरी 30 को हमने 2 से काटा तो आंसर अपना आया 15 सेमी। अब आप इसे देखिए, अगर यहाँ पर आपका 100 लिखा होता तो आप क्या करते, 200 की जगह यहाँ पे 100 होता, 100 से 100 कटता, आंसर क्या था 30 सेमी। समझे कि जब जब ये संख्या यानी इसका आप हाफ कर दो, यहाँ 200 की जगह 100 लिखा होगा तो यहाँ जो है ये 15 की जगह 30 हो जाएगा। अगर यहाँ 200 की जगह 50 लिखा होता, 4 गुना कम, तो ये 4 गुना बढ़ जाता, यानी कि यहाँ पे 60 सेमी आंसर आता, ठीक है, उतनी जरीब लंबी हो जाती इस चार्ट के ऊपर पूरी नहीं आनी थी, ठीक है। अब देखिए आप कि 15 सेमी अपना आंसर आ गया, यानी कि जरीब की अपने को क्या मिल गई है, लंबाई मिल गई है, ये अपने लिए महत्वपूर्ण है, जरीब की हमें लंबाई मिल गई है। अब आप देखो जरीब रेखा पर बी ऑब्जेक्ट के सामने की कड़ी की लंबाई, जरीब रेखा पर बी ऑब्जेक्ट के सामने की कड़ी की लंबाई। अब इसमें क्या होगा कि आप जो जरीब है उस पर जो है वो बी ऑब्जेक्ट ये है, और इसके सामने की अगर यहाँ पर कड़ी संख्या अपने को पता होगा इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी होनी चाहिए, यानी कि बिंदु कहाँ पे लगाएं अपने, ठीक है, हमें इस बिंदु का तो पता है कि यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन है किस कौन सी कड़ी के सामने, उसके बाद में कितनी दूरी पर है, तब ये जाकर यहाँ से सर्वे जो है आगे बढ़ता है। अब देखो जरीब रेखा पर बी ऑब्जेक्ट के सामने की कड़ी की लंबाई, ठीक है, तो बी ऑब्जेक्ट अपना यहाँ था और उसके सामने की कड़ी की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। अब इसमें क्या होगा कि कड़ियों की संख्या, यानी कि जो कड़ी है जो अपने हमने सबसे नज़दीक की कड़ी देखी थी वो संख्या कितनी थी, तो 9 थी बी ऑब्जेक्ट की। आप देख सकते हो यहाँ पर बी ऑब्जेक्ट की कड़ी की संख्या 9 है और जरीब से दूरी 5 मीटर 45 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ पर कड़ी संख्या कितनी है 9 है, और 9 के बटा में संख्या कितनी आएगी, कड़ियों की संख्या के बटा में 100, इंटू में मानचित्र या चार्ट पर जरीब रेखा की लंबाई, लंबाई कितनी थी 15 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पर क्या है 15 सेंटीमीटर लिख दोगे। जरीब की संख्या मतलब कड़ी की संख्या 9 और बटा में 100, क्योंकि जरीब में कड़ियाँ जो है वो कितनी होती है 100, इसलिए हमने यहाँ नीचे 100 लगेगा, ठीक है, इंटू में 15 जो है ये
कहाँ से आया है कि जरीब पर एक बार जो सूत्र लगा कि यहाँ पर हमेशा हमारा 15 ही आएगा। आपका उस मापक के अकॉर्डिंग कितना आता है, 30 आता है, 60 आता है, वो सेंटीमीटर्स के यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसे हमने हल किया तो 15 निम्न 135 बटा में 100, फिर 20 डाई पॉइंट लग गया तो 1.35, कितना आंसर आया अपना 1.35, ठीक है। अब देखिए आपने 1.35 लगेगा कैसे, आपने डायग्राम शीट के ऊपर यहाँ इस प्रकार से पहले एक रेखा खींचोगे, कितनी थी आंसर जरीब का, ये ऊपर से भी हेडिंग आ जाएगी, इतना स्पेस छोड़ देना, ठीक है, इतना स्पेस ऊपर की तरफ छोड़ ही देना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पेज के बीचों बीच हमने जो है लाइन खींच दी, और ये कोशिश करना थोड़ा डार्क कर देना ताकि महसूस हो कि हमने ये जरीब बनाई है, ये बिल्कुल डार्क होनी चाहिए। इसके बाद में जो दूरी है कितनी 1.35, यानी कि 1.3 और 4 के बीच में, तो आपने यहाँ पर 1.3 और 4 के बीच में यहाँ पर क्या करना है, इस स्थान पे बिंदु लगा देना है, ये आपने बिंदु लगा दिया। इसके बाद में आपने यहाँ पेंसिल से एक काम करना है कि आपने इस जो बिंदु लगाया है इसको बिल्कुल सेंटर में रखिएगा और 180 180 इस रेखा को मिला दीजिएगा, और जब यहाँ से बिल्कुल क्या करना है, बिल्कुल समकोण पर एक रेखा इस तरफ को जानी चाहिए, तो इसको जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 90 पे एक बिंदु लगाना पड़ेगा। अब 90 पर आपने जब बिंदु लगा दिया तो 90 की ओर रेखा खींचनी है, कितनी, तो इसके लिए आपको यहाँ पर आगे हल करना पड़ेगा। अब इसे जब अपने हल करते हैं तो ये थर्ड नंबर सूत्र हमारे काम आता है, क्या लिखा है इसमें, जरीब रेखा से बी ऑब्जेक्ट की दूरी, बी ऑब्जेक्ट की दूरी। अब जरीब रेखा से हमारा बी ऑब्जेक्ट कितना दूर था इसको ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसमें लिखेंगे जरीब की वास्तविक दूरी बटा में दी गई मापनी का हर इंटू में 100। जरीब की वास्तविक दूरी जरीब से वास्तविक दूरी कितनी थी, तो जरीब से वास्तविक दूरी आप यहाँ देख सकते हो बी ऑब्जेक्ट की जरीब से दूरी 5 मीटर 45 सेंटीमीटर निकली थी। अब 5 मीटर 45 सेंटीमीटर जो है हम यहाँ पर इस स्थान पे लिख देंगे, तो 5.45, ठीक है, इस प्रकार से लिख देना है आपने, बटा में 200 मापनी का हर है, ठीक है, तो ये वाला 200 जो है यहाँ पर स्क्रीन से लिखा जाएगा, इंटू में 100, तो ये 100 जो है ये मीटर का है, सेंटीमीटर में आंसर आएगा इसलिए, ठीक है। अब ये चेंज कभी नहीं होता, ठीक है, तो हर ये चेंज होता है, अगर आपका जो निरूपक भिन्न 150 है तो यहाँ 200 की जगह भी क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा, अगर यहाँ 100 है तो यहाँ पर भी आपका 100 आएगा, यानी कि 200 वाले स्थानों पर आप 100 या जो भी आपका निरूपक भिन्न का हर है वो लिखोगे। आपने जब इसे देखो 20 से 20 गई, ठीक है, तो या ऐसे कर लो, अब इसको काटोगे तो आंसर क्या आएगा, 2.72 सेमी। तो मैंने यहाँ से 2. अब ये तो इस तरफ था, ठीक है, तो इसको 2.72 यानी कि 2.7 से थोड़ा सा ऊपर, तो मैं यहाँ से इसको स्केल को जो है वो इस प्रकार से यूज़ किए कीजिएगा आप कि बिल्कुल एक्यूरेसी आ जाए, ये इस तरफ, ये इस तरफ 2.72, तो 2.7 के बिल्कुल ऊपर, ठीक है, तो आपने इस प्रकार से लाइन खींच देनी है। इसको मैं अब फेर कर देता हूँ, ये रेखा आपकी फेर हो जाएगी, ये रेखा आपने इस प्रकार से खींच देनी है। इसके बाद में आप नेक्स्ट, ये क्या है अपना बी ऑब्जेक्ट, क्या है बी ऑब्जेक्ट, इसे बी लिख देते हैं। इसके बाद में अपने चलते हैं नेक्स्ट सी की ओर। अब आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, मान लो बहुत आसानी से हो जाता है, आप इसमें मोबाइल का इस्तेमाल कर लेते हैं अपने, तो अपने इसमें कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं और एक संख्या लिखता हूँ यहाँ पर मैं, ये वाली 9 × 15, ये ठीक है, बटा में 100। आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से आपने इसे हल करना है, तो 9 × में
15 बटा में 100 आंसर क्या आया, 1.35। यहाँ आप देख सकते हो 1.35 आंसर आ गया है। इसके बाद में अगर आप इसको सोल्व करते हो इसी मापक पे, तो देखो 9 की जगह अगर मैं यहाँ पे 17 कर दूँ, यहाँ पे देखो स्पेस सीधा यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और अब इसे मैं काट के यहाँ पे क्या करता हूँ 17 कर देता हूँ, तो आंसर क्या आएगा 2.25। मैंने ये देखो यहाँ आप देख सकते हो पेंसिल से इसी के साथ में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ये इसके आंसर निकले थे और आप अपने मापक के अकॉर्डिंग इसको और हल कीजिएगा। अब ये 17 है, इसके बाद आंसर 2.25 मतलब 2.55 आया। फिर अगर ये 80 है तो इसका आंसर 12 सेमी आता है। अगर ये 87 है तो इसका आंसर 13.05 आता है। अगर ये 90 है तो इसका आंसर 13.5 आता है। अगर ये 37 है तो इसका आंसर 5.55 आता है। अगर ये 14 है तो इसका आंसर 2.1 आता है। अगर ये 61 है तो इसका आंसर 9.15 आता है। अगर ये 58 है तो इसका आंसर 8.7 आता है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे सारे आंसर यहाँ से कड़ी संख्या की जो जरीब पर दूरी है, बस याद रखिएगा कि 15 सेंटीमीटर से ऊपर तो किसी का आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि जरीब की कुल लंबाई 15 सेंटीमीटर है और ये उसी के बीच में डॉट लगने वाले बिंदु। अब यदि आप यहाँ देखेंगे कि जरीब से दूरी अपने को जो प्राप्त हुई थी उसको अपने मापक के अनुसार अगर इस मानचित्र के ऊपर या डायग्राम शीट के ऊपर सेंटीमीटर में लाते हैं तो इस सूत्र का इस्तेमाल अपने जो यूज़ किया था इसका बार बार इस्तेमाल होगा। तो जरीब रेखा से बी ऑब्जेक्ट की दूरी आप देखो कितनी थी, 5.45 इंटू में 100, आप यहाँ देख सकते हैं इंटू में 100 बटा में 200, कितना 200, आपका आंसर आया 2.72 सेमी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बी ऑब्जेक्ट की दूरी थी। ऐसे ही अपने सी ऑब्जेक्ट की दूरी जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 5.45 की जगह आप देखो यहाँ पर इसे अपने हटा देंगे और इसकी जगह 1.51 लिख देंगे, 1.51 लिख देंगे, आंसर आया 0.75। फिर इसके बाद में अगर इसे फिर से नेक्स्ट पे जाएंगे तो 14.10 आंसर आया 7.05। इसके बाद में जब 9.75 आंसर आएगा 4.87। इसी प्रकार अपनी नेक्स्ट जो दूरी थी वो 5.04 आंसर आया है 2.52। फिर देखिए 16.63 आंसर आया है 8.31। इसी प्रकार 16 के बाद में है 7.66 आंसर आया है 3.83। इसी के बाद में 2.76 आंसर आया है 1.38। इसी प्रकार लास्ट है ये अपना 3.38 आंसर आया है 1.69। आप इस प्रकार से ये दूरियां भी प्राप्त कर लेना। ठीक है, इतना वर्क जब आप कर लोगे और नोट कर लोगे, इसी सूत्र को बार बार लिखना है। ठीक है, इन दो सेकंड और थर्ड सूत्र को बार बार लिखना है आपने और आपके डायग्राम शीट की जो बैक साइड है उसमें लिख सकते हो शायद। ठीक है, वो अपने लेक्चर से पूछ लेना, नहीं तो अंदर से अलग जो है वो अलग से कॉपी लेकर उस पर नोट करके आप दिखा सकते हो कि इस तरह से हमने हल किया था। अब आप यहाँ से मैंने ये जो दूरियाँ प्राप्त कर ली थी तो 9 के अकॉर्डिंग कितना 1.35 पे निशान लगाया। इसके बाद में यहाँ स्केल रख लेते हैं। ठीक है, तो स्केल इस प्रकार से रख लेते हैं कि दूरी इसके सामने आ जाए। ये 15 सेमी पे मैंने रख लिया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो बिंदु आएगा वो सी पॉइंट का आएगा और वो आएगा कितना 2.55, कितना 2.5 और 6 के बीच में, ये सी बिंदु के लिए लाइन है। किसके लिए, सी के लिए इस तरफ। फिर देखिए डी के लिए लाइन लगाएंगे अपने, यहाँ डॉट लगाएंगे तो डी का जो है 80 के अकॉर्डिंग 12 आया था, तो यहाँ पर ये 12 बिल्कुल इस स्थान पे इसके सामने डी आने वाला है। और फिर यहाँ पर 13.5 पर यानी कि 13.05 है, तो 13.1 से भी कम, ठीक है, 13 से थोड़ा सा ऊपर अपने निशान लगा देंगे तो इसके सामने जो है वो ई बिंदु आ जाएगा। एफ हमारा ये बिंदु था,
तो एफ यहाँ पे लिख देंगे अपने, ई इसके सामने और ये। अब देखो इतने पहले गलत है अपने, इसको अपने देखेंगे कि पहले के अंदर 2.27 है, बी के लिए हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट की ओर रेखा खींच ली। अब हम सी के लिए, सी पर जो है इस प्रकार से पॉइंट से पॉइंट केंद्र मिलाएंगे और यहाँ से 180 से ये वाली रेखा, और अब यहाँ पे 90 पे अपने निशान लगा देंगे ताकि अपनी रेखा बिल्कुल सीधी हो। आप पेंसिल से एक बार इसको लंबी खींच भी सकते हो आप चाहो तो, नहीं तो ऐसा करना कि डायरेक्ट जो लंबाई है वो नोट कर लेना कितनी 0.75। तो 0. यहाँ देखो 0.75 है, तो यहाँ से 0.7 और 8 के बीच में यहाँ पर नोट मतलब कर लेना आप और निशान लगा देना, ठीक है। तो ये आप इतना वर्क कर लीजिएगा। इसके बाद में देखिए यहाँ पर कितना है, ये सी है, यहाँ पर डी है, डी की जो लंबाई आई वो है 14.10 के अकॉर्डिंग कितनी आई, 7.05, मापक में हल किया तो कितना 7.05 इस ओर है। तो आप बिल्कुल समकोण, ठीक है, आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा चांदे की सहायता से 90 डिग्री के एंगल में है। मैं अब एक बार डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 7.05, तो ये 7.05 समय बता रहा हूँ थोड़ा, इसलिए मैं अपनी तरफ से इसको बिल्कुल सीधा खींचने का प्रयास रखूँगा। तो ये अपना डी बिंदु, इसके बाद में अपना ई बिंदु कितना है, तो आपने इसमें आंसर में देखा तो 4.87 यानी कि 4.9 के करीब जो है वो अपना डॉट लगेगा, कितना 4.9 के पास। तो इतने यहाँ पर हमने रेखा खींच दी और ये अपना एफ है। उसके बाद में आप देखिएगा एफ तक का, ई तक का हो गया ये और ये एफ है, और फिर जी का जो बिंदु है वो आप देखिए यहाँ पर कितना है 13.50। तो 13.50 पर आप यहाँ से अभी भी देखो इधर से होगा, ये शून्य यहाँ है और 13 ऊपर है बिल्कुल, तो आंसर क्या है 13.05 है, तो 13.1 पर ही लगेगा। तो ये सेम टू सेम बस यहीं आने का प्रयास है, थोड़ा सा 13.50 है, तो 13.5 पे इंसान लगेगा, ठीक है। तो 5 इससे 13.05 और 13.5 में अंतर बताऊँ आपको कि 13.05 तो 13.1 और 13 के बीच में लगेगा, ठीक है, और 13.50 है मतलब 50 है वो, तो वो 13 के बाद में जो 5 mm है वो ऊपर लगेगा। तो ये तो पहले mm में रह गया और ये 5 mm पर जाकर लगेगा, ठीक है। इससे अपने इस तरफ की रेखा आएगी क्योंकि अपना ऑब्जेक्ट इस ओर था, यहाँ से अपना ऑब्जेक्ट जो है वो कितना दूर था, जी ऑब्जेक्ट अपना 2.52, तो अपने यहाँ से कितनी 2.52 बिल्कुल सीधी रेखा खींचेंगे, ठीक है, समकोण बनाइए रेखा इस पर, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद में आप नेक्स्ट कितना है एच 5.55, तो यहाँ पर 5.55 पे आप ये मैंने माप लिया 5.55 और ये मैंने 5.55 पे जीरो से यहाँ पर 5.5 पे निशान लगा दिया। अब इस ओर को रेखा कितनी आएगी, तो आपने देखा कि 16.63 की दूरी है, 8.31 की रेखा आएगी, 8.3 पर मैं यहाँ पर निशान लगा रहा हूँ, ये रहा 8.31 है, तो 8.3 पर ही या थोड़ा सा मामूली सा ऊपर की तरफ उठता हुआ बाहर की ओर, ठीक है, इतनी दूरी हमने लगा दी है। इसके बाद में अपना ये हो गया, अब अपना आई अंतिम जो बिंदु है ये इसके लिए लाइन आएगी 3.83 है दूरी और 14 के अकॉर्डिंग यहाँ से जरीब पर बिंदु लगेगा 2.1 का, कितना 2.1 का, तो यहाँ 2.1 पे मैंने निशान लगा लिया, तो ये 2.1 का बिंदु लग गया और यहाँ से लंब जो रेखा यूँ मानो ऑब्जेक्ट की ओर कितनी है ये 3.83, तो 3.83 की रेखा यहाँ पर लग जाएगी, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया है। इतना वर्क जो है ये क्षेत्र को दर्शाता है कि क्षेत्र इतना ही है अपना, ठीक है। अब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के लिए यहाँ पर हमने नॉर्थ साउथ, आप खुले क्षेत्र में यहाँ पर भी नॉर्थ साउथ निकाल सकते हो, यहाँ पर भी निकाल सकते हो,
ठीक है, इस क्षेत्र में यहाँ भी निकाल सकते, लेकिन कोशिश कीजिएगा ऊपर या इस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा, और इनमें तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि यहाँ से नॉर्थ साउथ इससे बाहर आ जाएगा। चलो देखते हैं कैसे होता है यहाँ। अब नॉर्थ साउथ के लिए एन का देखो 61 के अकॉर्डिंग 9.15, तो यहाँ 9.15 यानी कि 9.1 और 2 के बीच में आपको क्या करना है, डॉट लगाना है। ये एन का डॉट है, और एस का डॉट मैं बता देता हूँ आपको 58 के अकॉर्डिंग 8.7 पे लगेगा। तो 8.7 पर भी आपका दूसरा डॉट लग जाएगा। ये ऊपर वाला एन है और ये नीचे का एस है। अब एन की दूरी आप देखो 1.38 है, तो 1.4 के करीब जो है वो लग जाएगी, 1.4 के करीब यहाँ पर नॉर्थ की ओर एक रेखा चली जाएगी। ठीक है, अब एस की जो है दूरी 1.69 है, तो 1.65 और ये 6 इस पर रेखा आ रही है, 1.69 है, तो 1.7 पे आ जाएगी, 1.7 पर यहाँ पर ये आ चुकी है। अब अपना नॉर्थ की छोर था, तो इन दोनों एनएस के अंतिम छोर को मिलाकर आपने क्या कर देना है, यहाँ पर रेखा खींच देनी है। जो ऊपर का हिस्सा है ये एन को प्रदर्शित कर रहा है, और जो नीचे का हिस्सा है ये साउथ को प्रदर्शित कर रहा है। इसको आप अच्छे से यहाँ से, नहीं तो इसको दोनों कोनों को यहाँ मापो और कोने में दूर ले जाकर इस कॉर्नर में यहाँ पे नॉर्थ साउथ बना सकते हो। चलो एक बार इसको अपने यहीं रहने देते हैं, ठीक है, ये इसका नॉर्थ है, इसका साउथ है। अब इनके अंतिम छोर को, जैसे ये अपना ऑब्जेक्ट था, देखो ए को बी से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से, डी को ई से, ई को एफ से, एफ को जी से, जी को, अब देखो यहाँ कुछ विद्यार्थी गलती करते हैं कि जी को, ये जो जी है इसको एन से मिला बैठते हैं, और फिर एन को एस से मिलाते हैं, और एस को फिर ई से मिलाते हैं। लेकिन हकीकत में अपना क्षेत्र कौन सा है, ये बाहरी क्षेत्र है, न कि ये एन एस, ये तो कहीं भी आ सकता है, नजदीक दूर कहीं भी रख लो ट्रप कंपास को। लेकिन आपको किस से मिलाना है, किसको, जी से एच को मिलाना है, किसको, जी से एच को मिलाना है, एच को आई से मिलाना है, और आई को अब अंतिम जो अपना वापस घूमकर ए की ओर मिला देना है। तो अब ये क्षेत्र था अपना जिसमें ये पार्क था, इसको पार्क का आप सिंबल लगा दीजिएगा, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे घास आकृति बना दी, और ये क्या है, अपना पार्क है। ये यहाँ से लेकर, जी से लेकर एच तक और आई तक, ये क्या था, यहाँ एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग का बॉर्डर लाइन है। आप इसमें से क्या कर सकते हो, इस प्रकार से इसको दर्शा सकते हो। ठीक है, यहां तक ये बॉर्डर लाइन थी, ठीक है, यहां से लेकर ये पार्क था, यहां पर भी इतनी दूर ये क्या थी, बॉर्डर लाइन थी इस बिल्डिंग की। ठीक है, यहां ये जरीब थी, और यहां से हमने प्रत्येक ऑब्जेक्ट को मापा था। अब बात आती है कि एक प्लान जो कंप्लीट हो जाता है उसके अंदर कितने क्या क्या अपने पास फैक्ट होने चाहिए, तो 5 फैक्ट इसके अंदर जरूर होने चाहिए। तो अपने यहाँ पर मेन, ये बहुत छोटा लिखा था आरएफ, बहुत ही छोटा, ठीक है, तो यहाँ पर अपने बड़े अक्षरों में टेम्पलेट या जो स्टेंसिल बोलते हैं उसकी सहायता से आप लिखोगे चैन एंड टेप सर्वे, चैन एंड टेप सर्वे ऑफ, कहाँ का है तो अपने महाविद्यालय का नाम इसके बाद में लिख दीजिएगा, ठीक है, और फिर आप लिखना चाहो तो ऑफ कहाँ का है, ये तो ये प्ले ग्राउंड का है, ठीक है, तो आप ये प्ले प्ले ग्राउंड जो है यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो ये तो आ गया क्षेत्र का नाम, ये अपना आ गया क्षेत्र यानी प्लान। दोगे अपने को यहाँ पर नॉर्थ साउथ है, तो इस नॉर्थ साउथ को आप इसी डायरेक्शन में
ठीक है, रोलर स्केल आता है, आप इसको बराबर यहाँ यूं एक बार लगा दोगे, फिर आप इसको आगे की तरफ बढ़ाओगे तो ये इसके यहाँ पर एक लाइन खींचकर जो है आप इस प्रकार से यहाँ पर नॉर्थ बना सकते हो। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे नॉर्थ इसमें दिखा भी सकते हो, ये नॉर्थ रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर आप मापक बनाओगे और मापक कैसा होगा, 1:200 के अकॉर्डिंग। अगर ऊपर मैंने इसमें क्या है आइकन में लिंक दे दूंगा, जिसमें आप पहुंचकर 1:200 का मापक आसानी से बना लोगे। और एक बार मैं नॉर्मली बता देता हूँ कि 1 सेमी जो है वो 200 सेमी को प्रदर्शित करता है, यानी 2 मीटर को। तो यहाँ पर आप 1 सेमी, फिर दूसरा 2 सेमी, 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी अगर लाइन खींच देते हो तो ये 2 मीटर, यानी कि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10, 10 मीटर को प्रदर्शित करेगा। तो ये पहला बॉक्स खाली छोड़ोगे तो यहाँ लिखोगे 2, 4, 6, 8 और जो 10वां था ये इधर खाली छोड़ दिया आपने। इसको बीच में से यहाँ से एक लाइन खींचोगे, इसे 50 और 100 की बजाय आप 100 और 200 सेंटीमीटर लिखेंगे और मापक को पूर्ण करेंगे। मापक का रूप देने के लिए आप इसमें बीच में लाइन खींचोगे और इसे पेंसिल और स्केल की सहायता से ये सारा वर्क करोगे। ऊपर RF 1:200 लिख दोगे, तो इसके ऊपर लिख दोगे, ये इसका RF आ गया। ठीक है, तो एक क्या हुआ, नाम, क्षेत्र, नॉर्थ, मापक और यहाँ पर आप इस तरफ जो है इंडेक्स बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक टेबल बना लोगे जिसमें आप कुछ चिन्हों को दर्शाओगे। जो इस क्षेत्र में इस प्लान को पहचानने में कि कहाँ का है ये मदद करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे इंडेक्स और यहाँ पर आप लिखोगे साइन और यहां पर आप लिखोगे नेम। साइन लिखोगे या फिर आप लिख देना सिंबल, SYMBOL सिंबल और इस तरफ आ जाएगा नेम। तो यहां पर आप सिंबल बना दोगे, मान लो अगर कोई इस क्षेत्र में हमने वृक्ष जो है यहां पर मान लो वृक्ष था तो यहां पर वृक्ष बना दोगे। ठीक है, तो यहां पर आप ट्री लिख दोगे और यहाँ पर आप अगर मान लो ये पार्क का दिखा रखा है तो हम यहाँ पे जो है एक छोटा सा बॉक्स जिसमें घास जैसी आकृति बनाकर और यहाँ पर अपने लिख देंगे पार्क। यहाँ पर अगर दीवार है तो यहाँ पर आप एक लाइन खींचोगे इस प्रकार से और यहाँ से तिरछी लाइनें दिखाकर बोल दोगे कि ये दीवार है, वॉल है। ठीक है, तो इससे भी ज़्यादा इंडेक्स के अंदर आप दर्शा सकते हो। चार्ट बढ़ा लीजिएगा और प्रयास कीजिएगा कि आप चार्ट के ऊपर ये सारा वर्क करोगे। अर्थात मेरे पास ये 1:200 था तो इस छोटे से इस हाँ 1:200 था, आपका ये 15 सेमी आ जाएगा और इतने सेमी क्षेत्र बन जाएगा। आप चार्ट के ऊपर इतने बीच में से इतने क्षेत्र में बढ़ा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको 1:50 मिलता है तो आपको एक बड़ा चार्ट ही चाहिए। 1:60 मिलता है तो भी बड़ा चार्ट चाहिए, आपको बड़े चार्ट का साइज पता ही है, मार्केट में नॉर्मली मिल जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको 1:100 से लेकर 1:150 तक मिलता है मान लो, तो आप चार्ट का हाफ हिस्सा काट कर भी आधे में भी आप अपना चार्ट जो है ये प्लान कंप्लीट कर सकते हो। तो हमने इस चार्ट के अंदर 5 जो तथ्य थे इनको पूरा कर लिया है। नेम आ गया, हेडिंग आ गई मुख्य, ठीक है, क्षेत्र आ गया अपना और डायरेक्शन आ गया या नॉर्थ आ गया, फिर अपना मापक आ गया और इस तरफ इंडेक्स आ गया। तो मापक के लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर इस पर अपलोड कर दूंगा और लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन देख लेना, नहीं तो ऊपर आई बटन होगा उसमें देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।